मैं कलाम में आ गया हूँ और कलाम में मौसम बहुत अच्छा है। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज मैं हूँ कलाम के अंदर और अभी मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि किस तरह मैं कलाम में पहुँचा और कैसे कैसे मैंने मनाजिर देखे। यार क्या खूबसूरत मनाजिर थे। हमने अपना सफ़र रात को किया, एक फैमिली कोस्टर करवाई और चल पड़े अपनी मंजिल की जानिब। मैं रास्ते में सो गया था, चूँकि 2 बजे का टाइम था और नींद बहुत सख्त आई थी। जब मेरी आँख खुली तो मैं एक बहुत ही खूबसूरत जगह पर था। एक तरफ पहाड़ था और एक तरफ होटल था। यहाँ से नाश्ता किया और अपने सफर का दोबारा आगाज किया। जिस दिन हम लोगों ने यहाँ पे आना था उससे एक दिन पहले जो यहाँ पे थे हमारे कोई अजीज़ वगैरह, वो कह रहे थे यहाँ पे बहुत सख्त गर्मी है, आप लोग वहाँ ना जाएं। लेकिन हमने वेदर की फोरकास्ट देखी थी और यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ 10 मिनट के लिए आई होगी धूप बस, उसके बाद ये ऐसे ही मौसम है और मौसम तो बहुत खूबसूरत है। इतनी खूबसूरत वादी, इतना प्यारा मौसम, इतने प्यारे मौसम में तो वैसे ही भूख बड़ी जल्दी लग जाती है। हम बना रहे हैं चिकन का रोस्ट यहाँ पे आते साथ ही और आपको दिखाते हैं ये कैसे बना रहे हैं और ये क्या क्या कर रहे हैं हम लोग। गोश्त को हम घर से ले आए थे बना के, मसाला वगैरह लगा के, और इधर बस आके हम लोगों ने हांडी में गर्म करना था और पकाना था ताकि उसको प्रॉपर एक स्टीम दे कर उसको पकाया जाए। सर भाई पैसे पूरे कर देते हैं आपके जब आप पूरे साल बाद एक दफ़ा ही आते हो शहर पे। मैं तो बचपन में आता इस जगह पे और 25 साल के बाद से मैं अब आया हूँ। खाना खा के थोड़ा सा रेस्ट किया और उसके बाद हम लोग चले गए दरिया के पास। हमारे कुछ साथी वो है, वो आ रहे हैं पीछे से, पूरे एडवेंचर माहौल में आ रहे हैं। ठंडा बर्फ़ पानी है तो कौन कह रहा था तुम्हें वहाँ जाने के। पैर रख जरा। ये देखें गंदगी, आवाम आती है यहाँ पे गंदगी फैलाती है। कम से कम यार ये काम तो ना किया करें आप यहाँ पे आकर। बारिश हो रही है और साथ ठंडा तरीन पानी है और ये मेरे कज़न बाज नहीं आ रहे इसके अंदर पाँव डालने से और मसलसर वो लगे हुए हैं और बहुत ज़बरदस्त किस्म का यार मौसम होता जा रहा है यहाँ। व्यू चेक करो यार।
वो भाई मछलियाँ पकड़ने हैं, जाल बिछा लिया उन्होंने। और ये देखे भाई दूसरे भी उधर गए हैं और वो जाल बिछा रहे हैं फिश के लिए। ये पता नहीं अब ये भाई कर क्या रहे हैं, हमें इसके बारे में कोई पता नहीं है, बस हम मंजर देख रहे हैं वो कर क्या रहे हैं। भाई ने काफ़ी देर कोशिश करते रहे लेकिन उनसे मछली पकड़ी नहीं गई।